Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, आज हम everyday sciences में बात करते हैं अपने next topic पर chromosomes पर. तो introductory point of view से आज हम देखेंगे chromosomes क्या चीजें हैं और ये इनकी क्या importance है, ये क्या role play करते हैं living organisms में. अगर देखा जाए तो लफ्जी मतलब हम कहते हैं क्रोमो का मतलब है कलर यानी रंगदार और सोमा का मतलब होता है बॉडी यानी ऐसी चीजें जो रंगदार नजर आए इनको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी जो थी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे वाल्डर फ्लेमिंग जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था और इसी ही तरह से एक और साइंटिस्ट जिनको हम नाम देते हैं वाल्डायर ने इनको नेम दिया था नेम एज क्रोमोसोम. यानी कि इनको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट वाल्डर फ्लेमिंग है. वाल्डायर ने इनके लिए लफ्ज क्रोमोसोम का तजवीज किया था वोकैबुलरी में सबसे पहले लफ्ज इस्तेमाल किया गया था तो डिस्कवरी की वाल्डर फ्लेमिंग ने. अब इसने नोट किया था कि एक ऐसा सेल जो सेल डिवीजन करने के मरहले में था जैसे इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट जो है वो सेल होता है. जैसे हमने इसकी डायग्राम बनाई थी सपोज किया फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि ये एक सेल है तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जो उसके बिल्कुल सेंटर में मरकज में नजर आता है. तो वाल्डर फ्लेमिंग को जब इसने एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर इसको सेल के बिल्कुल सेंटर में यानी इस न्यूक्लियस वाले एरिया में रंगदार चीजें नजर आई जिसको इन्होंने क्रोमोसोम का नाम दे दिया. इस तरह से हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है ये गुच्छी नमा सूरत में पाए जाते हैं जब सेल डिवीजन के मरहले में होता है. अब हम जरा देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स एक्चुअल में होते क्या चीज है. हम इसकी बड़ी डायग्राम बनाते हैं कि ये कहलाता है जैसे दो बाजू नजर आते हैं इन दो बाजुओं में से हर एक बाजू को हम नाम देते हैं इट इज द क्रोमेटिड और ये वाला भी क्रोमेटिड कहलाएगा और ये वाला सेंट्रल पॉइंट जहां से ये दोनों बाजू क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर. ये सेंट्रोमियर कहलाता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा जानदार हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स मौजूद है और ये क्रोमोसोम्स उन जिंदा जानदारों की जिंदगी भर की खसूसियात का तायुन करते हैं जीन्स इन पर पाए जाते हैं जिनके जरिए से उस जिंदा जानदार के अंदर जितनी मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स पैदा होनी है आंखों की है बालों की है एंटीबॉडीज वाली है या रेड ब्लड सेल्स वाली प्रोटीन है सेल्स के अंदर एंजाइम्स वाली प्रोटीन्स है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम्स यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है. इसीलिए तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस वो तमाम के तमाम सेल के अफआल को लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. वो एक्चुअल में न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम और उन क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले जो जीन्स हैं उनकी मदद से कंट्रोल करता है कि सेल में किस वक्त कौन सा एंजाइम पैदा करना है किस वक्त कौन सा हार्मोन पैदा करना है सेल की जरूरियात के अतबार से. इस तरह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. एक्चुअल में वो क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स की मदद से. थैंक यू वेरी मच.